जी कितने बजे से आप लाइन में हैं यहाँ? मैं यहाँ 4 बजे से लाइन में हूँ। मैं यूपी से आया हूँ, मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है और मैंने 112 पे 2 बार फोन किया हूँ और ठीक DIG से भी कहा हूँ कि यहाँ की व्यवस्था ठीक की जाए। यहाँ के पुलिस वाले पैसा लेके सबको घुसा रहे हैं, लाइन तोड़े हुए हैं और इस पे मुख्यमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा है कि यहाँ की व्यवस्था एकदम चरमर है और मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। हम लोग तो बाहरी आदमी हैं, ना यहाँ रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था, ना बाथरूम तक जाने की व्यवस्था है। यात्री परेशानी में इस समय धामी जी को योगी जी से कुछ सीखना भी चाहिए। बहुत बढ़िया योगी है तो मुमकिन है, कुछ सीखना चाहिए। वो भी यही इसी माटी के हैं, इससे बड़े बड़े मेला कुंभ उम के लगे रहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे सुबह से भूखे हैं, रात में इस ठंडे में बिताए हैं। सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ने बोला और DIG तक से मैंने कहा है, लाइन में लगे हुए यात्री आएंगे और उनकी जो है सर्टिफिकेट बनेगी। कुछ नहीं है, सारा शासन प्रशासन सब ध्वस्त। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, यूपी गवर्नमेंट में काम करता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ जब से महाराज जी आए। इनसे उनसे सीखना चाहिए, यहाँ से सीखना चाहिए, यहाँ के पुलिस को भी उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ हजारों की संख्या में यात्री हैं और पुलिस वाले हैं गिनती के दो। हाँ जी, दो लगे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ से। जी जी जी, और वो भी VIP लोगों के लिए लगे हैं। स्वयं कहा हूँ 112 से, मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा, दो दो बार मुझे बात हुई है। जी जी, और कोई भी वहाँ से कोई भी मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं। मैं DIG से सुबह से बच्चे बूढ़े सब लाइनों में लगे हैं, सब भूखे हैं। बहुत बुरी व्यवस्था हो रखी है। छोटा सा विंध्याचल मंदिर है, कम से कम 50 पुलिस लगे रहते हैं। कम छोटा जगह में अच्छा काम होता है, सीखे उनसे। जी, तो प्रशासन कृपया ध्यान दें यात्रियों की तरफ और व्यवस्था यहाँ बनाए, बैरिगेटिंग लगाई जाए ताकि बैरिगेटिंग से हर यात्री लाइन से दर्शन कर पाए। जी 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 जी, यहाँ सिपाही और बैरिगेटिंग दोनों सबसे जरूरी चीज है। जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था की जाए, नहीं तो जो है यात्रा पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। जी, VIP कल्चर बंद करें, क्योंकि पूरे दिन से जो है VIP लोग ही दर्शन कर रहे हैं और पिछले 8 से 10 घंटे से यात्री लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वो प्रशासन से बात करे या किसी से, यहाँ लोकल पुलिस वालों से कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहुत दिक्कत आ रही है यात्रियों को और चारों तरफ भीड़ देखिए कितनी है, पूरा फुल पैक है। ये देख सकते हैं आप कैसे दर्शनों के लिए बुरे तरीके से यात्री जो है परेशान है, प्रशासन बिल्कुल है ही नहीं यहाँ। यात्री खुद से ही अपनी व्यवस्था संभालने को मजबूर हो रखे हैं। हमारा कंप्रोमाइज नहीं होता है, हमारा अपनी व्यवस्था नहीं होती तो हम दर्शन भी नहीं कर पाते। जी, अगर खुद का निर्णय है। जी, यात्री लोगों ने जो है खुद से चेन बनाई है और अपने हाथों से बैरिकेटिंग बनाकर व्यवस्था संभाल रहे हैं। दर्शनों के लिए तैयार है, मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। बहुत पीछे खड़े होते यात्रियों ने खुद से व्यवस्था को संभाला है। बाकी जो है प्रशासन की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और देखिए डंडों से पेला जा रहा है यात्रियों को। व्यवस्था खुद की खराब, व्यवस्था प्रशासन नहीं कर पा रहा है और डंडे यात्रियों पर चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस वाले कैसे डंडों के साथ पीछे धकेल रहे हैं यात्रियों को। तो जल्द से जल्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस धाम की ओर अपना जो है ध्यान केंद्रित करें और व्यवस्था बनवाएं। जो है इस बार बहुत ज़्यादा यात्री दर्शनों के लिए आने वाले हैं और अगर ऐसे ही रहा तो जो है यात्रा कर पाना यात्रियों के लिए किसी संकट से बड़ा नहीं रहेगा। और देखिए कैसे यात्री डंडों के साथ बैरिगेटिंग बना के खड़े हैं और देखिए सिस्टम फेल होता दिखाई दे रहा है। यात्री खुद से व्यवस्था संभाल रहे हैं।
देख लेते हैं।